बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाला देसी फूड। व्यूवर्स, यूट्यूबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला से सब के लिए खैर वाफियत की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। तो दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशगवार भी कहना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, खासकर लेडीज़ बच्चे को मन भाती हम बना रहे हैं गोलगप्पे, वो भी होम मेड घर में। उसके गोलगप्पे भी घर में बनाएंगे, बाकी चीज़ें तो बनेंगी। गोलगप्पे खासकर घर में बनाएंगे, तो वो आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ, वो आपको दिखाते हैं। तो फिर आप भी ट्राई करें घर में बना के खाने की, बनाने की। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हम ले रहे हैं तकरीबन एक कप के बराबर जो है मैदा, और आधे कप जो है ना वो सूजी ले लिए, और साथ में चाट मसाला, बेकिंग पाउडर सिर्फ एक चुटकी, नमक भी एक से मामूली सी चुटकी से ज़्यादा लेना है, और मीठा सोडा, और ये बाकी सब्ज़ मिर्च है, प्याज है, आलू और सब्ज़ चने। पानी को हमने गर्म कर लिया है, और साथ में थोड़ा सा घी लेंगे। सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं गोलगप्पों का बैटर, गोलगप्पों की डो बना लेते हैं। तो चलें अपनी डो बनाने की तरफ चलें। सबसे पहले हम डाल देते हैं मैदा, ये सभी खुशबू कर लेते हैं। ये है सूजी, इतनी मचा देते हैं। मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर भी इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। माशाल्लाह, डो हमारी बिल्कुल रेडी होगी। दोस्तों, अभी इसको जो है ना 5 मिनट जो है ना कवर कर देते हैं। अभी हम उखाड़ लेते हैं अपने आलू, प्यारे प्यारे आलू। आलू के भी अपना एक जवाब नहीं है, अल्लाह पाक ने ये कितनी बड़ी नेमत बताई। ये भी दुनिया के हर खत्ते के अंदर लोग खाते हैं। आलू की कटिंग हो गई, अभी हम मिक्स कर लेते हैं अपनी सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, प्याज को बारीक बारीक काट लिया हमने। कर लेते हैं अभी इनको सभी, अपनी सब्ज़ी को जो हमने प्याज, सब मिर्च, चने, आलू की फिलिंग बनानी है हमें अपने गोलगप्पों के लिए। तकरीबन आधी चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाट मसाला तकरीबन एक चम्मच है। अगर तेज़ मज़ीद तेज़ खाना चाहते हैं तो और आप बना सकते हैं। आप ये हमारा अभी तैयार हो गया, अभी इसको रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये एक तो ठंडा भी हो जाएगा, और साथ में हम बना लेते हैं अपने गोलगप्पे। टमाटर हमने नहीं डाले क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। टमाटर अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आप बनाएं तो टमाटर भी डाल लें। साथ में लीमू, टमाटर, सारी ही चीज़ें अच्छी हैं लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है। फिलहाल हमने टमाटर को छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी हम जो ना छोटे छोटे अपने इनके पेड़े बना लेते हैं, क्योंकि आटा पेड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको बेलन पे बेल लेते हैं, और उसके अंदर से भी है ना फिर अपने निकाल लेते हैं क्या नाम है गोलगप्पे। गोलगप्पे निकालने के लिए हमने ये ढक्कन ले लिया। आप ढक्कन ले लें या स्टील का बाज़ार से मिल जाता है,
आप किसी भी बर्तन या किसी भी जार वगैरह का जरा ढक्कन वगैरह लेके तो उससे आप ज़बरदस्त बन जाते हैं। आप बड़े साइज में बनाना चाहते हैं बड़े, आप तो उससे छोटे में छोटे में छोटा वगैरह ढक्कन ले लें। अच्छा, ये इसका जितनी आपकी ये ब्रेक होगी रोटी उतने ही मज़ेदार और क्रंची बनेंगे और फूलेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक रखने की, मोटा नहीं हो। तभी हम इसको काट लेते हैं, काटने का ये है ये। इस तरह हमने रख के काटते जाना सभी। थोड़ा अभी ये दूसरा काटेंगे। इस तरतीब से काटना है ताकि आपका जो है जहन हो। गोलगप्पे मेरे रेडी हो गए हैं, अभी इनको कर देते हैं फ्राई, और फ्राई करके उसके बाद करेंगे एंजॉय। तो चले फ्राई करते हैं। घी, अच्छा घी का ये करना है, घी को अच्छी तरह गर्म करना है। कम टेम्परेचर पे लाओ घी को, अच्छी तरह गर्म करना है, तब आपके जो है ना मज़ेदार गोलगप्पे बनेंगे। और गोलगप्पे को जब घी के अंदर डालना है और उसको जो है दबा के रखना है आयल के अंदर, आयल के अंदर रहेंगे, डीप पेंगे फिर फूलेंगे, वरना ये आपकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बन जाएंगी। दोस्तों हमारे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हो गए, अभी इनके कर लेते हैं फिलिंग। ये देखें चने इसमें डाल देते हैं, आप खट्टा जितना मर्जी डालें, खट्टा दही। और साथ में ये दोस्तों ये चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे भी ज़बरदस्त बन गए। ये देखें फूले फूले, तो एक मैंने फिलिंग करके रख दी आलू, और बाकी जितना मटेरियल वो डाल दिया, और साथ में दही की चटनी डाल दी, और ये इमली की खट्टा पानी। अगर तेज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तेज़ इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करना चाहते हैं कम। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप भी घर के अंदर बनवाएं, घर में बनाएं, बच्चों के साथ शेयर करें, खाने का मज़ा आ जाता है। दोस्तों हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, आज के लिए इतना ही। मैं आप सब रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई चीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।